फ्रेंड्स, मैं आया था लुधियाना और आप लोगों को मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ जो बहुत ही जरूरी में अपना मेडिकल खोला है। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑल सर से मिलते हैं और जानते हैं मेडिकल स्टोर खोलने का प्रोसीजर क्या क्या होता है, क्या टिपिकल प्रोसीजर है और इनका एक्सपीरियंस के बारे में नॉलेज लेंगे। तो आज का वीडियो बनाने का पर्पज मेरा यही है। सो आप लोगों का कोई भी सवाल जवाब रहेगा वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑल सर बताएंगे अपने बारे में, कब से क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है इसका मेडिकल खोलने का, टोटल XYZ जो कहते हैं मेडिकल खोलने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या क्या कंडीशन होती है जगह की, या क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक इट आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का रूल आया है कि मेडिकल में AC होना रिक्वायरमेंट है, फ्रिज, ये सब चीज़ें सर बताएंगे। तो जानते हैं और उन्हीं से मिलते हैं। जी सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप मौर्य है और सर मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, मतलब हम एक साथ पढ़े हैं कॉलेज में। और जैसे कि सर ने पूछा कि मुझे यह प्रोसेस क्या है टाइम, मतलब मेडिकल का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे थोड़ा सा काटूंगा इनकी बातों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पंजाब में पहले DL अप्लाई नहीं होता था, तभी जल्दी ही खुला है सर को, DL अभी बहुत जल्दी ही मिला है। उसके बारे में बताएंगे डिटेल में, इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। DL अगर किसी को लेना हो या अपना मेडिकल खोलना हो तो उसको कहाँ मिलना है, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या फॉलो करना है, वो सब चीज़ें बताइए ताकि किसी को ओपन करना उसको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सही बताया आपने, पंजाब में पहले ड्रग लाइसेंस बंद था, यहाँ पे मिल नहीं रहा था। ये अभी नई गाइडलाइंस आई हैं तो जिसके अंडर हम सबको लाइसेंस मिला है। अभी रिसेंट में बहुत लाइसेंस ग्रांट हुआ है, पहले पंजाब में लाइसेंस बिल्कुल ही बंद था या फिर ऐसे गाइडलाइंस थे कि आप मेडिकल खोल ही नहीं पाओगे। 2.5 किलोमीटर की रेंज का वो लगा हुआ था क्लॉज कि 2.5 किलोमीटर की रेंज में कोई मेडिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो तो पॉसिबल था नहीं, वैसे ही बहुत ज़्यादा खुल चुके थे। अभी रिसेंट में गाइडलाइन आई है कि 100 मीटर की रेंज में कोई मेडिकल ना हो तो आप लाइसेंस ले सकते हैं। जो उसकी कंडीशंस है, फार्मासिस्ट जिसने डी फार्मेसी करी हुई है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए, 3 ईयर्स किसी मेडिकल स्टोर पे, किसी हॉस्पिटल फार्मेसी में उसने 3 साल जॉब किया हो, काम किया होगा तो उसको लाइसेंस मिलेगा। जिसने बी फार्मेसी कर रखी है उसको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, और एम फार्मा वाले को डायरेक्ट अगर आप एम फार्मेसी करके आते हो तो आपको तुरंत लाइसेंस मिल सकता है। रिक्वायरमेंट्स इसकी यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रमाइसिस होना चाहिए, शॉप होनी चाहिए जिसका मिनिमम एरिया 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 150 स्क्वायर फीट में मेरा तो ज़्यादा बड़ा है शॉप, दिखा दीजिए थोड़ा सा घुमा के कैसा है। ये मेरी शॉप घूम के दिखा दीजिए, चलो इनको बाद में व्यू करवा लेते हैं, तो पूरा मेडिकल दिखाया जाएगा। इसमें मेरा एरिया ज़्यादा बड़ा है, मेरी शॉप ऐसा है कि 18 फीट लंबी चौड़ी है और बैक साइड में 16 होगी, तो 18x16 वो ज़्यादा बन रहा है, 3 करीब बन रहा होगा 18x16, आई थिंक जा रहा होगा 350 फीट के आसपास जा रहा होगा। तो मिनिमम 150 स्क्वायर फीट भी होगा, यानी कि अगर आपकी शॉप 10 फुट चौड़ी है, 15 फुट लंबी है तो आप खोल सकते हैं उसमें। फर्स्ट आपके पास रेंट डीड, अगर आपकी शॉप है तो उसकी रजिस्ट्री लगेगी, नहीं है तो रेंट डीड बनवा लीजिए मालिक से, वो आपको बना के दे देगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके शॉप में AC लगा होना चाहिए और फ्रिज होना चाहिए, और फार्मासिस्ट का मैंने बता दिया आपको। और इसका जो नॉमिनल सा फीस होता है वो ऑनलाइन हर स्टेट का अलग हो सकता है, लेकिन लुधियाना पंजाब में जो मैंने ऑनलाइन भरा था वो 3,000 रुपये के करीब फीस था उसका, और करीब करीब 1-1.5 महीना लग गया था प्रोसेस। उस वक्त फाइल्स बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मेरा टाइम लग गया। बाकी जैसे यह फाइल पहुँचने के ऊपर है, मतलब ये तो हमारे गवर्नमेंट का अलग आपके एरिया का जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके पास फाइल जाएगी, वो आपकी शॉप की विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, चेकिंग के बाद हाँ अगर उनको लगेगा कहीं उनको कोई कमी दिखाई देती है तो वो आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। वो फुलफिलमेंट करके देनी पड़ेगी आपको। और इसके अलावा लाइसेंस, जहाँ तक मुझे अपना याद है, मेरा 2 जुलाई 2021 को लाइसेंस विजिट करने आए थे ड्रग इंस्पेक्टर, मेरे यहाँ 2 बार आए थे, एक बार पहले यानी अगल, जैसे लुधियाना का बहुत बड़ा एरिया है तो इसने 5 एरिया बांट रखे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे आई थिंक 3 की 4 है, मे भी मुझे प्रॉपर नहीं पता है। पहले मेरा जो मिला था वो लुधियाना
दूसरे एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को फाइल मार्क हो गई थी, तो अलग मैटर है वो, अलग चीज। मैंने कहने का मतलब ये है, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं तो क्या चेक करके जाते हैं, मेन मेन इनका पॉइंट क्या क्या चीजें होता है मेडिकल में, वो क्या क्या चीजें चेक करते हैं? वो आपका एरिया चेक करेंगे, दूसरा वो जैसे वो बताया था 100 मीटर का जो डिस्टेंस है, वो आपके नजदीक का मेडिकल देखेंगे कि वो 100 मीटर है कि नहीं है, अगर उससे कम होगा तो वो नहीं होगा, जो यहाँ का रूल है वो बता रहा हूँ। अब वो अलग स्टेट का अलग हो सकता है, तो उन्होंने यही देखा। अभी मेरे को ले गए, मैंने बताया मेरे पास में ये मेडिकल है, वहाँ तक लेके गए, 250 मीटर बनता था, तो उन्होंने डन कर दिया। फिर उसके बाद 15 मेरे हिसाब से मेरी फाइल 3 अप्रैल को लगी थी, उस वक्त बहुत काम तेजी में था, भीड़ थी, तो 2 जुलाई को लाइसेंस ग्रांट हुआ। उसके बाद से मैंने धीरे 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 अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। यानी एक चीज और होती है ना, जैसे चेकिंग करने आते हैं, सुनने में आता है कोई दवा ऐसी ना रखी हो कुछ, दवा ये होती है कि मेडिकल वाले विदाउट पर्ची के बिना वो दे नहीं सकते, कई दवा बैन होती है, लाइटेड नार्कोटिक, उसके बारे में क्या, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो इंस्पेक्शन अलग होती है, उसकी एनुअल इंस्पेक्शन हर साल जाती है, ठीक है, जो फर्स्ट इनिशियल लेवल पे होती है जब लाइसेंस लेने के लिए, उसमें तो आप मेडिसिन रख नहीं सकते हो। नॉर्मली अगर हम बात करें, से मान लो आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो आपको कैसे पता लगता कौन सी दवा इसको देने लायक है, सेल्फ इसको हम दे सकते हैं, या इसको आप कौन सी दवा ऐसी जो आप इसको बोलोगे नहीं आप जाइए डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के लेके आइए, या पर इसके पर्ची के बिना हम आपको नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी कंडीशन होता है? खैर ऐसा हर मेडिसिन के स्क्रिप्ट, जैसे आप भी जानते हैं हर मेडिसिन के स्क्रिप्ट, जस्ट मैं नॉलेज के लिए, वेलन को तो पता है पर जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता ना कि लोगों को क्या चीजें होती है, नहीं मैं ये क्लियर करने के लिए उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी मेडिसिन आप उठाते हो तो उसके स्ट्रिप के ऊपर शेड्यूल एच लिखा होता है, जैसे कि इसमें देखिए शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन रेड कलर के बॉक्स में बना होगा, ये शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन है, शेड्यूल जिस पे भी रेड कलर का बॉक्स लगा वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं बेच सकते हैं, बिना डॉक्टर की पर्ची, बिना डॉक्टर की पर्ची के अलाउड नहीं है। और हम सिर्फ ओटीसी बेचते हैं, कोई भी चीज आती है प्रिस्क्रिप्शन आएगी, ओटीसी मतलब फुल फॉर्म, मतलब ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, मतलब कोई भी आए अपना बता के लेके चला जाए, हाँ वो ओटीसी हम अलाउ करते हैं, दे सकते हैं कुछ मेडिसिन, एग्जांपल ओटीसी में जैसे हो गया आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, ये भी आता है, ये ऊपर दिखाएंगे ये पुष्पा हो गया, और ये सब ओटीसी में ये आ गया आपका फेस वॉश हो गया, ये सब कॉस्मेटिक आ गया, ये सब इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक ओटीसी आ गया अपना, जो मेन मेन दवाइयाँ हैं। कस्टमर किस तरह के आते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास पेशेंट आ गया, कोई कोई दवा ऐसा ले लें जो उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है और आपको बोल रहा नहीं हमें इमरजेंसी है, वो दवा दीजिए ही दीजिए नहीं, तो उस टाइम आप कैसे डील करते हैं उसको, क्या सजेस्ट करते हैं आप, डॉक्टर को दिखाइए या दवा खाइए, कैसे क्या आइए डील करते हैं? देखिए बींग ए फार्मासिस्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमें पेशेंट को बचाना है, अगर क्रिटिकल कंडीशन वाली बात है तो हम उसको फर्स्ट एड तक हम समझते हैं कि उसको जान बचानी है हमें, तो उस कंडीशन में हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो करेंगे, जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसको आगे प्रेफर ही करेंगे कि आप जाइए आगे डॉक्टर के पास। नॉर्मली आप कह सकते हैं जैसे मान लो हल्का फुल्का फीवर हो गया, वायरल हो गया, आप इसको नॉर्मली पैरासिटामोल जो मेडिसिन है नॉर्मली आप उसको दे देंगे, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने पर आप ब्लड टेस्ट करवाइए या डॉक्टर से कंसल्ट करिए। खैर वही बात आ गई है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है प्रैक्टिस कुछ हद तक की जा सकती है, प्रैक्टिस ही बोलेंगे हम उसको, थोड़ी बहुत मेडिसिन हम दे सकते हैं, बात वही है, सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर अगर कोई पेशेंट आके हमें बोलेगा सेल्फ मेडिकेशन वाला हाल हो गया, हमें पता है हम दे देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये अलाउड नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मांग लेगा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, हमें देख के पता लगता है। जैसे अभी हम जो बैठे हैं पंजाब में, तो पंजाब में सुनने में बहुत सी चीजें आती है, जैसे डिस्पोजल नहीं देना है, या गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस है जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स बैन है यहाँ पर, कुछ इस बारे में बताएंगे कौन कौन सी ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट ऐसे कौन कौन सी बैन है जो आप दे सकते हैं? देखिए बैन मेडिसिन अलग चीज होगी, उसकी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, उसके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा अलग से, उसके विदाउट बिल नहीं ले सकते हैं आप, अगर विदाउट बिल लेते हैं कोई भी नार्कोटिक्स आइटम पकड़ी जाती है आपके प्रमाइसिस पे आपकी शॉप पे, तो उस कंडीशन में ड्रग इंस्पेक्टर आप पे फाइन एक्शन ले सकते हैं। और पंजाब में तो एक बहुत बड़ा जो पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है,
पंजाब गवर्नमेंट ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है कि आप किसी भी ड्रग स्टोर पे अगर कोई नार्को आइटम मिलती है तो पुलिस डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर कुछ कोई रोल नहीं है उसमें, पुलिस भी डायरेक्ट ले सकती है। अदरवाइज कोई कंप्लेन भी आ जाए तो भी, हाँ अगर हमारे पास हम बिलिंग प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग बेचें जो बनता है, जो जायज है, जो रूल के अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा सर का मेडिकल भी विजिट करते हैं, आपको डिस्प्ले करते हैं और ऐसे सवाल जवाब भी होते रहेंगे और आपको मेडिकल देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है जी, और दवा कैसे रखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा पास आ जाइए, ये सर ये डब्बा कहाँ से मिलता है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये तो ये होता है कि मेडिकल में ज़्यादातर देखा देखता हूँ ऐसे ही डब्बे ही रहते हैं, ये डब्बा जैसे हमको हाँ, रखने में आसान रहता है ठीक है, इस डब्बे के ऊपर हम लिख भी लेते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट हाँ, डब्बा भी यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे ये यूज़ होता है। ये मुझे मिला था, ये लोकल मार्केट में मिल जाता है कहीं भी हम, और इससे अच्छा भी लगता है मेडिसिन ढूंढने में भी, मेडिसिन ढूंढने में बाकी ये है डब्बा है अच्छा है, ये लाइफ इसकी अच्छी होती है, गंदा भी नहीं होता है, शो का शो शो बनी रहती है, अच्छा लगता है शॉप में। फिर सर डिस्प्ले करते बाकी ये सारी मेडिसिन रखी हुई है, इसमें कुछ कॉस्मेटिक भी मिक्स है, आयुर्वेदिक भी मिक्स है, और इसके अलावा कुछ वो देखा जाते हैं सर का लाइसेंस डिस्प्ले, यहाँ पे लाइसेंस है कि ये हाँ ये लाइसेंस का दिखाइए जरा, ये लाइसेंस हर मेडिकल स्टोर में जरूरी है, मैंडेटरी है कि ये लगा होना चाहिए। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर, कोई भी ऑफिसर आता है क्लास वन ऑफिसर, वो आपकी शॉप में सबसे पहले चीज यही देखेगा, विजिबल होना चाहिए ऑफिसर के लिए। और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल, साफ सफाई का मेडिकल स्टोर में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का एक बहुत बहुत ही अहम रोल है, नहीं तो बहुत बड़े मोटे मोटे चालान होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सवाल जवाब है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी तो हमारे पास इतने सवाल जवाब नहीं है जो डिस्कस करें सर से, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो जरूर मिला जाएगा दोबारा इनसे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।